हेलो स्टूडेंट्स बच्चों, ये हमारा 7th चैप्टर है। इससे पहले हमने 6th चैप्टर कंप्लीट किया था जल संसाधन का। आज का हमारा जो चैप्टर है 7th है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब देखो, जो खनिज होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ ये क्या है, एक कार्बनिक और अकार्बनिक उत्पत्ति वाले कुछ प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, जिनके कुछ निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्म होते हैं विशेषताएँ। तो आज हमें ऊर्जा संसाधन, ऐसे संसाधन जो हमें ऊर्जा देते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। देखो यहाँ पर क्या है, जो खनिज हैं हमें कहाँ मिलते हैं, पठारीय क्षेत्रों में खनिज की बहुत अधिक मात्रा में, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो वहाँ से ये हमें इनका खनन करना पड़ता है, इनको खोद के निकालना पड़ता है, तो वो खनिज होते हैं। तो यहाँ से अपना चैप्टर शुरू करते हैं। भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ पर क्या है, विविधतापूर्ण की अलग अलग प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूरा जीवी काल, जो भारी मात्रा में जो बहुमूल्य मतलब जो बहुत ही कॉस्टली होते थे, ऐसे खनिज हमें पूरा जीवी काल में मिले हैं, जिसे या प्रीपेलाजोइक एज में उद्भीत है। मतलब उस टाइम उनका उद्भव माना गया है, उस टाइम उनका विकास माना गया है। यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत की आग्नेय तथा क्रांतीय चट्टानों से संबंधित, जो प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो आग्नेय प्रकार के और क्रांतीय प्रकार के होते हैं। जो शैल चक्र होता है वो 3 शैलों का होता है। सबसे पहले आग्नेय चट्टानें निकलती हैं। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, जब लावा ज्वालामुखी निकलता है तो ज्वालामुखी से जो लावा यहाँ सरफेस पर आकर ठंडा हो जाता है, तो वो क्या होती हैं, बड़े बड़े खंडों में होती हैं, वो होती हैं आग्नेय चट्टाएँ ने। और फिर नदियों के द्वारा, नदियाँ बहकर आती हैं या हवा चलती है तो उसके द्वारा जो इनका बारीक बारीक कण टूट जाते हैं वो होता है अवसाद। तो सेकेंड टाइप की जो होती है हमारी, फर्स्ट होगी इग्नियस रॉक्स और सेकेंड होगी सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें, और थर्ड है हमारी कायंती चट्टानें, कि दोबारा ये एक हाई प्रेशर में दब के और फिर वो क्या है, कायंते एक लिक्विड फॉर्म में ही चेंज हो जाती हैं, जिन्हें मेटामॉर्फिक चट्टानें बोला जाता है, कायंतिक चट्टानें जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है। उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिजों से विहीन है। इसने क्या बोला कि जो उत्तर भारत है हमारा, उत्तर भारत जो नदियों के द्वारा जो बनाया गया मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है तो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, कृषि अधिक मात्रा में होती है। ये जो एरिया होता है मैदानी क्षेत्र का, वो आर्थिक उपयोग के लिए, कि यहाँ पर जो खनिज हैं वो अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, खनिजों से विहीन है, कि यहाँ पर खनिज नहीं पाए जाते हैं। किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। कोई भी देश है जो अपने आप को डेवलप करना चाहता है और वहाँ पर खनिजों के आधार पर अपने आप को विकसित करना चाहता है, तो उसके लिए खनिज बहुत ही ज़रूरी है। इस अध्याय में हम देश में विभिन्न प्रकार के खनिजों एवं ऊर्जा के संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इसमें हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, खनिजों के ऊपर और ऊर्जा संसाधनों के ऊपर जो हमें ऊर्जा देते हैं। तो देखो यहाँ खनिज की डेफिनेशन दी गई है कि खनिज निश्चित रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म मतलब क्या है, उसकी विशेषताएँ हैं, के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति के का एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो नेचुरल वे में हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है। तो यहाँ पर बताए गए खनिज संसाधनों के प्रकार, जो खनिज संसाधन हैं उन वो कितने टाइप के होते हैं। रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के आधार पर खनिजों को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, धात्विक जिनके अंदर धातु होती हैं, और अधातिक जो जिसके अंदर धातुएँ नहीं होती हैं, समूहित किया जाता है इसमें माना जाता है, जो कि निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं, जिसको हम ये जो टेबल बनाई गई है यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया। तो देखो जो खनिज हैं, खनिज को हमने धात्विक और अधात्विक दो में डिवाइड कर दिया। अब धात्विक में कौन से होते हैं, धात्विक में जैसे लोहा, मैग्नीज, अलो में कौन से हैं, तांबा, बॉक्साइट और इत्यादि, ये क्या हैं, अलो धातुएँ हैं जिसमें लोहा नहीं होता है। ये लो और अलो दोनों क्या हैं, धात्विक ही खनिज है, इसमें ये क्या है, धातु हैं, इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है और यहाँ लोहे की मात्रा नहीं होती है। उसके बाद जो अधात्विक खनिज है जिसमें धातुएं नहीं होती हैं, तो उसमें कौन कौन से हैं, जैसे ईंधन, ईंधन में खनिज कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक
गैस इत्यादि, ये क्या हैं? अधातु खनिज हैं। अन्य अधातु खनिज में माइका, चूना, प्रस्तर, ग्रेफाइट इत्यादि हैं। जैसा कि उपयुक्त आरेख से स्पष्ट है कि धातु के स्रोत धात्विक होते हैं, कि जो धातुएं होती हैं उनका जो स्रोत होता है वो क्या होते हैं? धातु खनिज होते हैं। जैसे लो अयस्क है, तांबा एवं सोना, जिसको स्वर्ण भी बोला जाता है, आदि से धातु उपलब्ध होता है। इन सभी चीज़ों से हमें धातुएं उपलब्ध होती हैं, इन्हें धात्विक खनिज श्रेणी में रखा जाता है। जिनसे हमें धातु उपलब्ध होती है उनको हम धात्विक खनिज श्रेणी में रखते हैं। धात्विक खनिजों को लो एवं अलो धात्विक श्रेणी में बांटा जाता है। जो धात्विक खनिज है उनको हम दो में हमने डिफाइन किया था, धात्विक थे और अधातुक थे। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि लोहा है, लोहा वे सभी प्रकार के खनिज हैं जिनमें लो अंश समाहित होते हैं। कि लोहा खनिज, लो खनिज कैसे होते हैं? जिसमें लोहे की जो मात्रा होती है वो उनमें होती है इंक्लूड। जैसे कि लो अयस्क, वे लो धात्विक हैं। लो अयस्क क्या है? लो धात्विक हैं, कि उनमें लोहे की मात्रा होती है। जिन्हें लो अंश नहीं होता है उन्हें अलो धातु खनिज में आते हैं, और जिसमें लोहे की मात्रा आयरन नहीं होता है उसे हम अलो धातु खनिज में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि तांबा और बॉक्साइट है, इनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। अधातु खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जो अधातु, जो जिसे धातु में इंक्लूड नहीं किया जाता है वो क्या है? कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि क्या है, हमारे जीवाश्म है, जीवाश्म ईंधन है, ईंधन के नाम से जाना जाता है, या वे पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से प्राप्त होते हैं। ये जो खनिज ईंधन है ये हमें कहाँ से मिलते हैं? जो जैसे कोई जीव जंतु ही या प्राणी है जो धरातल में दब जाते हैं और उनके जो अवशेष हैं उनसे हमें ईंधन प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम इत्यादि। अन्य प्रकार के धात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना, पत्थर तथा ग्रेफाइट हैं। अब ये खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं, जो खनिज होते हैं उनकी कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। यह अक्षेत्र में असमान रूप से वितरित होती हैं, कि ये हर जगह इक्वल फॉर्म में नहीं होते हैं। कहीं कहीं पर हमें खनिज पाए जाते हैं, और उस कहीं कहीं वाले एरिया में भी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में हमें खनिजों की उत्पत्ति मिलती है। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। जो खनिज होते हैं उनकी गुणवत्ता की, उनके अंदर जो गुण होते हैं, कि कई बार क्या होता है कि जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं वो कम मात्रा में पाई जाती हैं, और जो लो क्वालिटी की चीज़ें होती हैं वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनका जो, इनके बीच में जो प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट मिलते हैं, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। क्योंकि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही कम मिलती हैं, और चीज़ें तो होती हैं जैसे लो क्वालिटी की, जैसे हमने अंगूर से ही लगा लो, जो अच्छी क्वालिटी के अंगूर होते हैं उसे शराब बना दी जाती है, और जो लो क्वालिटी के अंगूर होते हैं उसे किशमिश वगैरह बनाई जाती हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। इनकी जो तीसरी विशेषता बताई गई है वो क्या है, कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, समाप्त होते चले जाते, ख़त्म होते चले जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनाने में लंबा समय लगता है। यदि हम इनके बनने की प्रक्रिया के बारे में जानें तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है इसको बनने में खनिजों को, और आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। और यदि मान लो ये ख़त्म भी हो जाते हैं और यदि हमें इनकी दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा नहीं होता है कि हम इंस्टेंट इनको तैयार कर सकें, इनका इंस्टेंट पुनर्भरण नहीं किया जा सकता है। अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए, इनको हमें बचा कर रखना चाहिए, और इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। हमें इसका गलत प्रयोग भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इनको दोबारा इतनी जल्दी ना ही उत्पन्न किया जाता है। तो ये था हमारा आज का खनिज के बारे में। उसके बाद है भारत में खनिजों का वितरण, कि भारत में कहाँ पर खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इतना देख लें, समझ लें, यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लें। यहाँ पर धात्विक खनिज हो गए और अधात्विक खनिज हो गए। धात्विक खनिज में ये जो डायग्राम दिया गया है इसको आपको अच्छे से समझना है कि कौन कौन से खनिज हैं हमारे जो धात्विक खनिज में होते हैं और कौन से अधातुक खनिज में होते हैं। धात्विक में अगेन वही लोहा आ गया, और अलो धातुएं जिसमें लोहे का जो अंश होता है वो नहीं पाया जाता है। अधातुक में ईंधन है और अन्य खनिज हैं। तो ये आपको अच्छे से देखना है, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछें, मुझे भी आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, क्योंकि स्पेशल हर बच्चे की जो भी कोई कमेंट करता है मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ।
वीडियो आपको अच्छी लगती है आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।